हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सैलरी में बना रहे हैं दूसरी मैया और ये हमारी डेली रूटीन में बनती है, तो उसके लिए हमने लिया है 1/2 kg मिल्क और उसको हम बॉईल कर रहे हैं। बॉईल होने पे आ गया है तकरीबन। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ये एक छोटी इलायची है हमने हाथ से तोड़ी है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे, बिल्कुल 1 teaspoon केवड़ा। केवड़ा पाउडर आ गया है। अब इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे, लेकिन चीनी जो है वो हमारे घर में जो है वो 2 sugar पेशेंट हैं, तो इसलिए हम चीनी जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल 1 tablespoon के जितनी मैंने 1/2 kg में चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से, माशाल्लाह आप सब हेल्दी हैं, अल्लाह बचाए आप लोगों को तमाम बीमारियों से, तो आप जितनी चीनी डालना चाहें डाल सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है ये बेगम सेवैयों का पैकेट, हम ये यूज़ करते हैं। इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर ताकि चीनी जो है वो हमारी डिजॉल्व हो जाए, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे सिवैयों। सिवैयों को हम तोड़ लेंगे थोड़ा सा, मैं तोड़ के एक बाउल में थोड़ी तेल में करके रखती हूँ जब तक हमारा दूध बॉइल हो रहा है। ये देखिए जी, दूध में हमारे बॉइल आ रहा है, हम ये अपने सिवैया जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। तेल को शुरू कर लेंगे। ये आधी प्याली सिवैया है जो हमने डाली है, बहुत ज़्यादा लगता नहीं करना, क्योंकि इस तरह की होती है दूध सिवैया कि आप सिवैयों का बाइट भी आता है और साथ में दूध भी आता है और दूध प्याली में लेके पिया भी जाता है, तो ये बहुत मज़े का बनता है। अब इसमें सिर्फ 5 मिनट हैं, ये 5 मिनट में हमारी जो है सिवैया डन हो जाएंगी। थोड़ा सा फ्लेम हाई करते हैं हम, 5 मिनट जो है मैं हाई फ्लेम पर इसको पकाऊंगी और फिर इसको हम दम की आंच पर रख देंगे जब तक हम काटते हैं थोड़े से पिस्ते बादाम इसमें डालने के लिए। ये देखिए जी, ये 5 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे पका लिया है। अब मैं इसको बिल्कुल दम की आंच पे रख लेंगे, फ्लेम हमारा ऑफ हो गया है। ये बिल्कुल दम की आंच पे मैंने इसे ढक के रख दिया है। अब हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए जी, हमारी सिवैया डन हो गई हैं, बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है, इसकी थिकनेस और सिवैया जो है इसमें वो देखिए इस तरह से होता है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी सिवैया डन हो गई हैं, डिश आउट कर दिया है हमने। और अब जो हमने पिस्ते बादाम जो काट के रखे थे वो हम इसके ऊपर से डालेंगे। आपको जितने ज़्यादा पसंद हो आप उन्हें डाल सकते हैं, और अगर ना पसंद हो या घर में ना हो तो आप इसे पीजिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें डालें। तो अब हम आपको डिश दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारी डिश रेडी हुई है, बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।